नाउ आस्क, क्या पूछ रहे थे आप? ईजीएम कौन फाइल करेगा इसमें? मेरा तो कोई रोल नहीं होगा ना? नहीं, ईजीएम आपका ईजीएम में कोई रोल नहीं है. आपका ईजीएम में कोई रोल नहीं है, ठीक है. ईजीएम जब कब फाइल होगा? आवाज आ रही मेरी? हेलो, हाँ सुन रहा हूँ. हाँ, जब आप गुड एक्सपोर्ट कर दोगे, उसके बाद आपके गुड्स जाएंगे कस्टम में. कस्टम में आपके गुड्स क्लियरेंस होगी, ठीक है. क्लियरेंस होने के बाद जो वहाँ का सुपरिटेंडेंट होगा वो गुड्स को वेरीफाई करेगा और आपके गुड्स को अप्रूव कर देगा, और आपको मिल जाएगा लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर की गवर्नमेंट ने आपको परमिट कर दिया कि ये गुड्स एक्सपोर्ट हो सकते हैं. तो यहाँ से क्या होगा कि जैसे लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला, आपका जो कस्टम डिपार्टमेंट है उन गुड्स को दे देगा आपको करियर की कस्टडी में. करियर मतलब की जो शिपिंग लाइन है, तो यहाँ पे शिपिंग लाइन क्या करेगी, हमने जो डेटा दिया था चेकलिस्ट फाइल करते टाइम कस्टम को, ठीक है, जो हमने दिया था कि हमारे गुड्स ये हैं, उनकी ये वैल्यू है, इस कंटेनर नंबर, ये कंटेनर नंबर है, ये सारी डिटेल हमने उनको दे दिए कस्टम. इसमें शिपिंग इंटरेक्शन भी होता है ना वो? हाँ, तो यहाँ पे शिपिंग इंटरेक्शन की बात अब आ रही है कि आपने शिपिंग इंटरेक्शन दिया शिपिंग लाइन को, और जो डिटेल जो दोनों आपने अलग अलग दिए, कस्टम को अलग दिए और शिपिंग लाइन को अलग अलग दिए. तो यहाँ पे जो शिपिंग लाइन क्या करेगी, जो आपने डिटेल शिपिंग लाइन को दी है उसके बेस पे वो डिटेल वो कस्टम को देगी, उसको बोलते हैं ईजीएम, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट. ये शिपिंग लाइन ये कह रही है कि हमें इस एक्सपोर्टर से ये गुड्स मिले हैं और उसकी डिटेल वो कस्टम को दे रही है. तो ये हो गया आपका ईजीएम, मतलब एज ए करियर शिपिंग लाइन या एयरलाइन गवर्नमेंट को बता रही है कि हमारे पास इस एक्सपोर्टर का ये डाटा आया है, इस तरीके उसने एक्सपोर्ट किया है, डिटेल वो देता है. तो दोनों डिटेल फिर वो सर्वर पे, कस्टम सर्वर पे मैच होती है. अगर उन दोनों में कोई डिफरेंस होता है तो फिर आपका एजीएम एरर आ जाता है.